व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रंजीत और मैं आपको स्वागत करता हूँ आरपी रिचवेयर द फुटवेयर सॉल्यूशंस में। इस चैनल पे आपको मिलेंगे फुटवेयर रिव्यू। इंट्रो देख के गाइस आपको पता तो चल ही गया होगा मेरे भाई कि आज मैं बहुत ही ज्यादा ढासू सैंडल को रिव्यू करने वाला। मतलब आप मानो मेरी बात, ऐसा सैंडल ना ही मैंने अब तक स्पार्क्स में देखा है, कैंपस में देखा है, एशियन में देखा है, ऐसे जितने भी ब्रांड्स है ना भाई, मैंने अब तक किसी में भी नहीं देखा यार। If you are my regular viewer and subscriber ना guys, तो आपको पता होगा, देखो इसके पहले भी मैंने Abros brand के दो shoes को review किया, जो कि Abros Atom और Abros Martin shoe। भाई मैंने उन वीडियो में ना बहुत ही स्पेसिफिकली बोला था, क्या बोला था पता है क्या, कि भाई अगर Abros brand अगर इस तरीके से काम करेगा ना भाई, तो बहुत ही ये ना छुट्टी करने वाला है। जितने भी ये ब्रांड है ना, स्पार्क्स, कैंपस, एशियन, वीकेसी, पैराकॉन, ऐसे जितने भी ब्रांड्स है ना भाई, उनकी छुट्टी कर देगा स्पोर्ट्स शूज और सैंडल्स में। और गाइस वाकई में यार, मैं इतने सारे स्पोर्ट्स शूज, स्नीकर्स वगैरह रिव्यू कर रहा था भाई, मेरा मन कर रहा था भाई अभी इनको थोड़ा साइड में रखते भाई, एक सैंडल को लाते, बहुत ही बढ़िया सैंडल लाते अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर के लिए। और जब थोड़ी सी मैं रिसर्च कर रहा था यार ऑनलाइन स्टोर्स पे, गाइस मेरी नजर पड़ गई यार अपने Abros ब्रांड के नए आर्टिकल पे, जिसका नाम है Abros मेंस इलेक्ट्रो स्पोर्ट्स सैंडल। इसकी MRP जो है ना वो 1049 की है। और भाई ये सैंडल, आप मानो मेरी बात, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम सैंडल है। मतलब अब तक मेरा जो Abros ब्रांड पे हाथ पड़ा है ना भाई, और जितने भी मैंने इनके जो फुटवेयर मंगाए ना भाई, तो मतलब आप समझ रहे क्वालिटी वाइज एकदम बाप है गाइस। तो आओ गाइस फटाफट इसको अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या ये सैंडल, अगर अब मेरे व्यूवर्स का, अगर मेरे सब्सक्राइबर का, अगर 1000 रुपए तक का बजट है, तो इसे लेना चाहिए या नहीं। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स क्विकली अनबॉक्स दिस। कंसीडरिंग भाई अगर मैं इसका फर्स्ट इंप्रेशन दूं ना भाई, क्योंकि भाई अब तक यूट्यूब पे किसी ने भी इसे रिव्यू नहीं किया, ठीक है, तो कंसीडरिंग द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दिस सैंडल, भाई बहुत गजब है। मतलब मानो मेरी बात, व्हेन आई से दिस आई मीन दिस। मतलब गाइस ऐसे कॉन्सेप्ट्स के सैंडल ना मैंने अब तक किसी भी लीडिंग इंडियन ब्रांड्स में नहीं देखे भाई। और सबसे ज्यादा भाई ये सैंडल में जो आई कैच कर रहा है ना भाई, देखो मुद्दे पे आऊंगा एकदम, आई कैच जो कर रहा है, जो इसका जो सोल वाला जो पोर्शन है ना भाई, बहुत ही ज्यादा गजब लग रहा है। मतलब ऐसे टाइप का जो सोल होता है ना, बेसिकली आपने कहां देखा है, आपने डेफिनेटली बात अपने स्पोर्ट्स शूज में देखा है भाई। कहां, कौन से स्पोर्ट्स शूज में देखा है, मतलब नाम लो दो तीन। अब देखो कैंपस आर्टेमिस में आपने देखा होगा, आपने एशियन की जो मिसाइल रेंज आपने उसमें देखा होगा, क्रिस्टल रेंज है उसमें देखा होगा, ठीक है। बट भाई Abros ब्रांड भाई मैंने पहले ही बोला, देखो ये लोग भाई जो अपने, इनकी जो डिजाइन है ना भाई, वो एक लेवल ऊपर ही है। एंड व्हेन आई से दिस गाइस आई मीन दिस। आप देख रहे हो ये जो सोल का कॉन्सेप्ट है भाई, इन्होंने ये सैंडल में भी डाल दिया है। सबसे पहले गाइस आप इसका कंप्लीट लुक देख लो यार। मतलब भाई 1000 रुपए तक में अगर आप समझ रहे हो क्या, मतलब आप खुद देख लो यार, मैं सिर्फ ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, आप खुद ऑनलाइन सर्च कर लो, आप ऑनलाइन देख लो यार, कोई भी इंडियन ब्रांड में आपको ये कॉन्सेप्ट का सोल मिल जाएगा ना भाई, मेरे को डेफिनेटली नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, कि नहीं भाई हमने एक दूसरे ब्रांड में ये टाइप का सोल बेसिकली देख लिया। मतलब गाइस 1000 रुपए में यार इस तरीके का कॉन्सेप्ट का कोई भी ऐसा सैंडल बनाना और देना, मतलब इट्स डैम कमेंडेबल यार। बीइंग अ फुटवेयर डीलर गाइस अपन ने देखा है, देखो स्पार्क्स वगैरह में भी जो रेंज है ना बेसिकली, उसमें भी 700-800-1000 रुपए तक, ठीक है, सोबर सैंडल्स हमें मिल जाते हैं, बट ये थोड़ा एक तामझाम वाला सैंडल है, समझ रहे हो। मतलब जो आई कैच करता है ये सोल वाला पॉइंट ना, बहुत ज्यादा जबरदस्त है। उसके अलावा गाइस ये सैंडल में अगर ब्रांडिंग की बात करूं, तो भाई जब वो अपर पे यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है, उसके अलावा पीछे की तरफ यहाँ पे इनका लोगो दिया हुआ है, ठीक है, उसके अलावा सोल में इनकी ब्रांडिंग नहीं है। गाइस अगर मैं इस सैंडल की बॉटम की बात करूं गाइस, तो बॉटम में यहाँ पे आपको सर्कल सर्कल टाइप पैटर्न मिल जाता है। डेफिनेटली बात है, पैर डालोगे ना आपको बहुत ज्यादा अच्छा ग्रिप मिलने वाला, आपका पैर आगे पीछे दौड़ेगा नहीं उसमें, ठीक है। उसके अलावा मेरे भाई बहुत खासियत क्या पता है क्या इसकी, अगर मैं ये अंदर की जो ये बाउंसीनेस फील कर रहा हूँ ना भाई, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब ये बाउंसीनेस फील कर रहा हूँ ना, नेक्स्ट लेवल बाउंसीनेस, नेक्स्ट लेवल। मतलब ये जो, ये जिस मटेरियल से बनता है ना, उससे बेसिकली ईवा और रबर की कंपाउंडिंग होती है, ठीक है, और जो कंपाउंडिंग जो है ना भाई, बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, विच मेक दिस सैंडल डैम बाउंसी। उसके अलावा गाइस इस सैंडल में अगर अपर की बात करूँ ना भाई, तो अपर में यहाँ पे बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का रेक्सिन यूज किया गया है, ठीक है। रेक्सिन के साथ साथ आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो आप ये पोर्शन, जो येलो पोर्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली लोग ने मैच भी इसमें यूज किया है, ठीक है। मतलब डेफिनेटली बात है यार, वो जो यूज किया है ना भाई, जो येलो कलर है, उसकी वजह से लुक काफी ज्यादा एनहांस हो रहा है। और एक अच्छी बात ये ना भाई, मैं अपर को ऐसा अंदर की तरफ ऐसा हाथ लगा के फील कर रहा हूं ना भाई, तो डेफिनेटली बात है देखो, इधर अंदर की तरफ है ना लाइनिंग, और ये अपर के बीच का जो पोर्शन है, डेफिनेटली बात है उन्होंने काफी अच्छी कुशनिंग वगैरह भी दी गई है, ठीक है। डेफिनेटली बात है आप पहनेंगे तो काफी अच्छा कंफर्ट मिलेगा यार। और एक भाई जो सबसे बेस्ट चीज है ना भाई, ये Abros ब्रांड के सैंडल की भाई, इनकी जो ये पेस्टिंग वगैरह जो ये लोग करते हैं ना भाई, देखो ये जो ईवा बॉटम और ये सोल से जब ये लोग ये मिलाते हैं ना भाई, इनका जब मिलन करते हैं ना भाई, तो भाई पेस्टिंग वगैरह इतनी आउट जाती हुई नहीं दिखती यार, विच इज डैम कमेंडेबल। क्योंकि मैंने इसके पहले जितने भी, मतलब खास करके मैंने जो कैंपस ब्रांड के जितने भी मैं करता था ना बेसिकली, उसमें मेरे को अच्छा दिखता था भाई कि यार थोड़े वो आउट जाते हुए दिख रहे हैं यार। और भाई मैंने उस वीडियो में बहुत बार बोला भी था, पता क्या बोला था मैंने, बोला था कैंपस वालों एक बंदे को बिठा दो यार, उसको बोलो खाली तो पेस्टिंग जो आउट जा रही है ना
उसे ही ठीक कर यार, क्योंकि गाइस अगर 1000-1200-1500 रुपए देके अगर अपन कोई सैंडल खरीद रहे भाई, और अगर वो इस तरीके का निकले तो भाई अपना दिमाग खराब हो जाए यार। और सबसे बाप चीज ये सैंडल की मेरे को क्या लगी ना भाई, आप मतलब जो मैंने आई जो कैच किया ना भाई, ये जो मेगा कुशन, ये जो सोल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मतलब यार मतलब एक नेक्स्ट लेवल है यार। एक सबसे गजब चीज भाई, गजब चीज ये ना भाई इस ब्रांड की, जो मैंने आपको पहले ही कहा पता है क्या, कि ये जो कॉन्सेप्ट का जो सोल होता है ना मेरे भाई, ये जनरली अपने को स्पोर्ट्स शूज में देखने को मिलता है, ठीक है। और उसमें देखने मिलता है तो डिफरेंट बात है, स्पोर्ट्स शूज अपन कहाँ यूज करते हैं पापा, देखो जिम वगैरह में यूज करते हैं या फिर रनिंग के लिए यूज करते हैं, इस तरीके की आउटडोर एक्टिविटी के लिए अपन ज्यादा करके स्पोर्ट्स शूज पहनते, ठीक है। अब भाई अब मानो मेरी बात, अगर वो कॉन्सेप्ट अपने को अगर सैंडल में देखने मिलता तो डेफिनेट सी बात है भाई, भाई जिसको अगर ज्यादा बाउंसीनेस चाहिए, जिसको ज्यादा कंफर्ट चाहिए, जो उसको पता होता है ना रस्ते पे दौड़ते वौड़ते तो थोड़े बहुत ऐसा शॉक एब्जॉर्प्शन टाइप वो फील जो होता है ना भाई, वो डेफिनेट सी बात है यार, इसमें अपने को वो सब फील होगा। जनरली क्या सैंडल में अपने क्या ऑब्जर्व किया, सैंडल में अपने ये ऑब्जर्व किया ना, या तो फिर वो सैंडल में होता है ईवा सोल, या तो उस सैंडल में होता है फाइलॉन सोल। नाउ व्हाट इज फाइलॉन सोल, ईवा मिडसोल एंड टीपीआर या रबर आउटसोल, ठीक है। अब भाई इसमें भी भाई फाइलॉन कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें अपने को मिल क्या रहा है, इसमें अपने को भाई ये देखो अंदर की तरफ है ना, ये जो टीपीयू की आप आउटर लेयर देख रहे हो ना, इसके अंदर की ईवा और रबर की मिडसोल है, ठीक है। मतलब टीपीयू की जो आउटसोल है भाई, ये ना मतलब बहुत ज्यादा एकदम मजा, मतलब होता है ना इजीली नहीं फटती वटती नहीं है भाई, तो आप दिमाग से निकाल देना भाई कि ये ठोकर वोकर लगेगी तो ये टूट जाएगी या तो फिर ये फट जाएगी, बहुत लोगों का वो मिथ होता है, ठीक है। तो वैसे आपको कुछ भी इसमें ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेगा। और गाइस जब मैंने सैंडल को पहना है ना भाई, तो आप तो मतलब मैं क्या बोलूं आपको मेरे भाई, ऐसा तो मतलब कंफर्ट में डिफरेंट सी बात है। स्पार्क से कुछ आर्टिकल में देखने मिला था भाई, बट 1000 रुपए तक अगर मेरे को ये ऐसा टाइप का सैंडल हो ना भाई, तो मुझे तो लगेगा कि भाई आई हैव टेकन द राइट प्रोडक्ट एट राइट प्राइस। एक और इंटरेस्टिंग बात ये ना भाई ये ब्रांड की, कि ये लोग जो मतलब एमआरपी रख के मतलब इतना इसमें कुछ ज्यादा अपने को डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब आप समझो ना मेरी बात यार, एमआरपी 1049 की और आप ऑनलाइन मंगाओगे तो मेरे ख्याल से अराउंड वही प्राइस के आसपास अपने को मिलेगा, ठीक है। मतलब भाई ये होता है, देखो क्या होता है पता है क्या, कि राइट प्राइस पे राइट प्रोडक्ट। अप्रोच वाले चाहे तो ये कर सकते थे मेरे भाई, 2000 के एमआरपी रख के 50% डिस्काउंट करके 1000 रुपए में ये बेच रहे, बट नहीं भाई यही तो इनकी खासियत है यार, ये लोग मतलब सही प्राइस पे सही प्रोडक्ट जस्टिफाइड लगता है ना यार, वरना ऐसे ही यार अदर ब्रांड की तरह बेवकूफे बना रहे यार, के 2000 के एमआरपी रख के 50% डिस्काउंट करके 1000 में बेच देते हैं, और फिर जब वो ब्रांड का प्रोडक्ट हमें आता है फिर ऐसा लगता है अरे भाई ये तो यार बेवकूफ बन गए यार अपन तो। वैसा एटलीस्ट आपको इस अप्रोच ब्रांड में डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस डेफिनेटली ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो मेरे भाई, जो कि प्लान आउट कर रहे हैं सैंडल खरीदने के लिए, और उसको ये भी बोलना भाई कि आरपी रीच वेयर रंजीत का चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, ये बंदा नए नए इंडियन ब्रांड्स के फुटवेयर लेके आता है अपने चैनल पे, जो कि बहुत ही ज्यादा वर्थ इट होते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर लवली टाइम, कंसीडर सब्सक्राइबिंग फॉर मोर फुटवेयर रिव्यू।